सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, किस तरह का इनपुट था पुलिस के पास जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ? देखिए, इस टाइम पर पिछले काफी दिनों से हमें डेली बेसिस पर डिफरेंट एरियाज जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां से इनपुट्स आती रहती हैं किसी किसी तरह की। एसएसपी रजौरी साहब की इसमें बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी इनपुट को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते और जो भी इनपुट आती है उस पर इमीडिएट एक्शन किया जाता है। तो ये जो आज भी सर्च ऑपरेशंस हो रहे थे ये उसी के कारण हुए थे। अच्छी बात ये है कि अभी तक हमने जितने ऑपरेशंस किए उसमें हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे हमें लगे कि हमारे आवाम को या किसी भी चीज का यहाँ कोई खतरा है। लोग आराम से रहे, मुतमिन रहे, पर हाँ मैं उनको जरूर बोलूंगा चौकन्ने होकर रहे। जहां उनको जरूरत होती है उनको दिन रात देखने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हमारे सबके नंबर उनके पास है, वो हमें कॉल करें, बताएं कहाँ कुछ लग रहा है तो हम वहां पर एक्ट करेंगे। सर, पिछले काफी दिनों से ये इस तरह की इनपुट आ रही है कि कुछ लोग जो है कुछ इलाकों में देखे गए हैं, क्या वाकई में कुछ सीमा पार से घुसपैठ हुई है या कुछ लोग जो है जिस तरह से बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक ग्राउंड में ऐसी कोई चीज डायरेक्टली सब्सटेंशिएट नहीं हो पाई है और हमने काफी काफी बड़े बड़े एरियाज को सर्च किया है फौज की मदद से। हमारे साथ जो बाकी पैरामिलिट्री है वो साथ में रहती है। एक बहुत बड़ा कारण इसमें ये भी रहता है, इस वक्त मक्की वगैरह की ग्रोथ जैसे ऊपर होती है तो बहुत बार उसके कारण भी इस तरीके की कोई एक शख्स किसी को होने का चांस रहता है। बट स्टिल, जैसे मैंने आपसे बोला कि हम हमेशा लोगों को एनकरेज करते हैं, अगर हमें पर एक्स्ट्रा जाकर के सर्च मारनी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ये नहीं चाहते कि कोई भी आदमी बिल्कुल भी किसी खतरे के अंदर रहे, और इस वक्त यहाँ बिल्कुल ठीक है।